पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नासिंग्रामी अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिकमत अमली पर एक ऐसी रिपोर्ट शाया की है जिसने भारत की नींद हराम कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के नसर मिसाइल पर तबसरा किया है और इसके बारे में कई एक किस्म की बातें इस रिपोर्ट में दर्ज की हैं। इस रिपोर्ट की तफसील हम आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात की इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकोन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नासरीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नासिंग्रामी अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट इस बात की अक्कासी कर रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किस अंदाज में देखता है। अमेरिका के थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया की गई है, इसमें कहा गया है कि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 9 ममालिक हैं जिन्होंने एटमी हथियार बना रखे हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस खत्ते में पाकिस्तान के काम मुकाम है और इसकी एक मुस्लिम हकीकत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद कहा गया है कि चीन का दोस्त और भारत का दुश्मन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने अपनी जरूरियात और हिफाजत के मुताबिक एटमी हथियार बना लिए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के पास बड़े एटमी हथियारों के साथ साथ ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं। नासिंग्रामी हमने इससे पहले भी एक ऐसी वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के पास ऐसा एटम बम मौजूद है जिन्हें एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। और अमरीकी इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पाकिस्तान के पास मिनी किस्म के एटम हथियार भी मौजूद हैं। इन हथियारों किस लिए बनाया गया है कि मैदान जंग में दुश्मन के परखशे उड़ाए जा सकें। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की पूरी तारीख दोहराई गई है और लिखा है कि पाकिस्तान ने 1950 की दहाई में अपना एटम प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन इसकी तकमील न कर सका था, लेकिन इसके बाद 60 की दहाई में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था लेकिन इसकी तकमील भी न हो सकी थी, लेकिन 70 की दहाई में जब भारत ने अपना एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी अपना प्रोग्राम तेज कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तेजी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और एटमी धमाका कर दिया। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपनी एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया और न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे हथियार भी बना लिए बल्कि मिनी एटम बम भी तैयार कर लिया और पूरी तरह अपनी आर्मी को इन हथियारों से लैस कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मिनी एटम बम जिसे टेक्निकल एटमी हथियार भी कहा जाता है की ताकत भी कम नहीं होती बल्कि 10 किलो टन धमाका कर सकते हैं। इन बमों को मैदानी जंग में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है ताकि जमीनी फौज के हमलों को रोका जा सके और इसके साथ साथ फौजी अड्डे और मोर्चों को तबाह करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इन हथियारों से असलिया डिपो फौज के बंकर और टैंक तोपों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद है दुनिया के सिर्फ चंद मालिक के पास मौजूद हैं, यहाँ तक जो एटमी ताकत बन चुके हैं इनके पास भी इस तरह के एटमी हथियार मौजूद नहीं हैं और जिनके पास मौजूद हैं वो भी सिर्फ चंद एक ममालिक हैं। या ये बात भी जरूरी है कि पाकिस्तान की दिफाई सूरतेहाल की वजह से पाकिस्तान के इन हथियारों का होना इंतहाई आम है और अमरीका ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर इनका जिक्र भी किया है। जब बार ने कोर स्टार डॉक्ट्राइन की तश्कील दी थी उस वक्त पाकिस्तान ने सोच लिया था कि पाकिस्तान को किस किस्म के एटमी हथियार बनाने हैं और पाकिस्तान ने वक्त टेक्निकल नसर मिसाइल बना लिया था। भारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान को इस तरह तकसीम कर दिया जाए किसे एटमी हथियार इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिल सके, लेकिन पाकिस्तान भी भारत के मंसूबों से पूरी तरह आगाह था। बस पाकिस्तान ने भी भारत के मंसूबे को खाक में मिलाकर ऐसा हथियार बना लिया जिनका इस रिपोर्ट में ऊपर जिक्र किया गया है। इन हथियारों का एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर पाकिस्तान की फौज किसी भी मैदान जंग में हारने की पोजिशन पर आ जाती है तो उस वक्त फौरी तौर पर इन टेक्निकल हथियारों को इस्तेमाल करके अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील किया जा सकता है, इसलिए इन हथियारों की एक अपनी अहमियत है। या ये बात भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इन हथियारों की अनगिनत तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त नसर मिसाइल 50 के करीब लॉन्चर मौजूद हैं और हर लॉन्चर में ये खूबी है कि कम अज कम 4 मिसाइल फायर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में 200 के करीब मिसाइल भारत की तरफ उछाल सकते हैं और इसका अच्छा खासा
ऐसा रगड़ा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जो आम बात की गई है वो ये है कि बाहर ने इस रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इस टेक्निकल हथियार का इस्तेमाल किया तो बाहर यही समझेगा कि पाकिस्तान इस पर एटमी हमला किया है और हम पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग छेड़ देंगे। और ये एक ऐसा बयान है जिससे भारत को खौफ नजर आ रहा है कि भारत को पाकिस्तान के हथियारों से किस कदर खौफ है और इसकी फौज भी कितनी हरासा हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नसर मिसाइल की रेंज तो कमोपेश इसलिए ये मुख्तसर दूरी पर भारत के अंदर हमला नहीं कर सकता, इसलिए मैदान जंग में दोनों फौजें एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं और दू बदू लड़ाई भी होती है, इसलिए नसर मिसाइल तो भारत के अंदर दूर तक मार करेगा। इसलिए भारत का ये दावा भी गलत हो जाता है कि पाकिस्तान नसर के जरिए टेक्निकल हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इन हथियारों को अपनी सरजमीन में इस्तेमाल करेगा और सरहद के पार इसके सराज जाएंगे और सरहद पार जो दुश्मन की फौज होगी इसे तबाह कर देंगे। इस सूरत में भारत ये नहीं कह सकेगा कि पाकिस्तान इस पर एटमी हमला किया है, इसलिए कि ये टेक्निकल हथियार तो पाक सरहद में इस्तेमाल किए गए होंगे लेकिन इसका असर दूसरे मुल्कों तक जा पहुँचेगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का ये हथियार बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं, इसलिए इनको तबाह करने के लिए भी दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के साथ साथ इनकी जगह तब्दील करता रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हथियारों को छोटे ट्रकों पर भी लोड किया जा सकता है, इसलिए इन ट्रकों से इनको लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए भारत को ये भी फिक्र है कि पाकिस्तान इन हथियारों को जिस तेजी के साथ इस्तेमाल करेगा भारत के पास कोई जवाब नहीं होगा, वो पाकिस्तान पर एटमी हमले का इल्जाम लगा सकेगा। इसलिए कि पाकिस्तान ने बराह रास्त ये हथियार भारत की सरहद के अंदर नहीं फेंकने बल्कि अपनी सरहद के करीब फेंकने हैं, जिसका असर भारत की इस फौज पर पड़ेगा जो सरहद के करीब तैनात होगी। इसलिए भारत मुंह देखता रहेगा और अपनी फौज को मरवा बैठेगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने भी लद्दाख में भारत के साथ माइक्रोवेव छोड़कर एक खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से भारतीय फौज के दिमाग आउट हो गए थे और इनके जिस्म जलने लगे थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सर्दी में इनके जिस्मों में हरकत कहाँ से आ रही है और ये खराश रहे थे जो चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए और कई एक फौजी हलाक हुए और दिफाई तौर पर मफलूज हो गए थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हुआ है। इसी तरह जब पाकिस्तान ये टैक्टिकल हथियार पाकिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल करेगा और इनकी रेडिएशन भारत के फौजियों तक जा पहुँचेगी तो इनको भी समझ नहीं आएगी कि इनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए भारत की चीखें निकल रही है और इस रिपोर्ट को पढ़कर भारत की फौज की भी हवा निकल रही है और भारतीय हुकूमत भी उल्टे पुलटे बयान देने लगी है जिससे इसका डर नजर आता है। भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ इस तरह के गुमराह गुन बयान देकर दुनिया को गुमराह करता है और अंदर से डर होता है कि पाकिस्तान इस कदर तरक्की किस तरह कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती भी बहुत खुलती है, इसलिए वो अमरीका की गोद में बैठ कर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगेबान।